हेलो, नमस्ते जी सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मानसून की बारिशों का आनंद ले रहे होंगे। आपके यहाँ बारिश हो रही है? नहीं बताइए, हमारे यहाँ तो हो रही है। कल भी हुई थी और आज भी हुई है, बहुत अच्छी बारिश। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, बादल घिर के आ गए हैं। ये मौसम 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 ओसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और देखो सब बाहर थे, मतलब मौसम को देख के। गर्मी काफ़ी सुबह आज ना काफ़ी ज़्यादा थी सुबह से अब तक, लेकिन जिस समय तक बारिश शुरू हुई ना तब अच्छी हवा चली और उसके साथ बारिश हुई। देखो आप देख सकते हैं, और ये बारिश कम से कम 1.5-2 घंटा चली, ज़्यादा ही चली उससे भी। बारिश के साथ साथ अच्छी हवाएं, ठंडी ठंडी, और मौसम एकदम बदल गया है। कहते हैं ना मौसम मौसम हो गया है। और आप बताइए, आप सब कैसे हैं? बस आज कुछ था नहीं इतना ज़्यादा खास, तो मगर चलो आज दिखाते हैं भाई, ऐसे ही बातें कर लेते हैं सबसे। और पायल ने कहा मेरा हेयर स्टाइल बना दो आप, उसने नेट पे देखा था एक हेयर स्टाइल, तो मैंने सोचा चलो जैसा भी मुझसे आता है उल्टा सीधा बनाने की कोशिश करती हूँ। और मैं अभी पायल का हेयर स्टाइल ही बना रही हूँ जैसा उसने मुझे दिखाया है, देखते हैं कैसा बनेगा। और वैसे तो इसका ये हेयर स्टाइल मैंने एक बार पहले भी बनाया था, उसकी भी एक फ़ोटो है मेरे पास, इसमें मैं वो भी लगाऊंगी। आप कंपेयर करके बताना कि पहले वाला अच्छा बना था या बाद वाला जो अब मैं बना रही हूँ ये अच्छा बना है। वैसे मुझे तो पहले वाला ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले पायल के बाल काफ़ी लंबे थे, बीच में इसने बाल कटा दिए, और बाल थोड़े लंबे और हैवी हों तो हेयर स्टाइल थोड़ा अच्छा सा बन जाता है। और अभी कुछ मानसून है, मानसून में ना हेयर फॉल भी बहुत होता है, तो इसलिए इसके बाल झड़ भी रहे हैं, तो छोटे छोटे बाल जो नीचे से नई ग्रोथ आती है ना वो ज़्यादा है, तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती हेयर स्टाइल में। जब ग्रोथ न्यू ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वो छोटे छोटे से बाल निकल जाते हैं। अब ये पार्लर तो है नहीं कि हेयर स्प्रे लगाया और सेट कर दिए बाल, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से टाइट सा बढ़िया सा बनाऊँ इसका हेयर स्टाइल, ताकि बच्ची खुश हो जाए। और जो लोग ये काम करते रहते हैं उन्हें तो एक्सपीरियंस होता है। अब मैं तो बहुत धीरे धीरे करती थी क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन चीज़ों का, ना मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाती हूँ, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ना सब चीज़ें करनी पड़ती हैं माओ को, तो बस मैं वही कर रही थी। मैं चलो आज बना के देखते हैं कैसा बनेगा, तो आप बताना मुझे आपको कैसा लगा जो मैंने हेयर स्टाइल पायल का बनाया है।
देखो जो अभी बनाया वो तो ऐसा बनाया है, ठीक है, अभी देख सकते हैं आप। और जो मैंने इसका पहले बनाया था एक बार, 1-1.5 साल पहले, वो ऐसा बना था, तब इसके बाल थोड़े अच्छे लंबे थे। देखो ये कितना प्यारा बना है ना, यही वाला बनाया है आज भी, लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाई इसमें, पहले वाले में बहुत क्लियरिटी थी। और चलो अब खाने के लिए कुछ बना लेते हैं, मौसम अच्छा है तो थोड़ा कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ पोहा, हेल्दी टेस्टी चटपटा। ज़रूरी नहीं है पकोड़े चटपटे टेस्टी हो सकते हैं, हम और चीज़ भी टेस्टी चटपटी बना सकते हैं। तो आज मैं पोहा बना रही हूँ, सभी बनाते होंगे, बस मैं बना रही थी तो मैं चलो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये मैंने पोहा लिया है, और मैं कटोरी के नाप से नहीं लिया, ऐसे ही ले लिया है, और इसको मैंने अच्छे से 2 बार धो लिया है। इसका जो भी वाइट वाइट सा इसमें पाउडर वगैरह जो भी कुछ लगा रहता हो, 2 बार मैंने धो के इसको पानी इसका अलग कर दिया है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कुछ लोग छलनी में रख के भी पोहे को धोते हैं, आप धो सकते हैं छलनी में रख के भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जितना पानी बचा है ना उसको ये पी लेगा, और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इसी में इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, और इसको चम्मच से अच्छे से मिला दूंगी, चम्मच की डंडी से, मतलब टूटना नहीं चाहिए क्योंकि अभी गिल्ला है। और इसको 5 मिनट बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका। ये प्याज, नींबू, धनिया, मिर्च और राई लिए हैं मैंने, और कड़ी पत्ते भी लिए हैं। ये थोड़े से बादाम और किशमिश ले लिए हैं काट के, और ये दही रखी थी तो मैंने सारी ले ली है, लेकिन इसमें से मैं 2 ही चम्मच डालूंगी। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, अब देख सकते हैं, तेल आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। इसी में मैंने डाल दिया राई, डाल दूंगी हरी मिर्च, और इसी में डाल दूंगी मैं प्याज, आप हींग भी डाल सकते हैं, वैसे तो थोड़ा सा डालना ही चाहिए हींग भी, टेस्ट अच्छा आ जाता है हींग से भी। अब कड़ी पत्ते भी मैं डाल दूंगी इसमें, और इनको अच्छे से, और इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं भूनना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा करना है इसको, प्याज को हल्का सा कि कच्ची सी ना लगे, पक सी जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना जैसे हम छोंक के लिए बिल्कुल डार्क ब्राउन कर देते हैं, ऐसी नहीं करनी ये, बस ऐसी। और आप इसमें अपनी पसंद के मटर भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैंने बस ऐसे सिंपल ही बना लिया है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना के इसको खा सकते हैं, सब सब्जियां डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीन्स वगैरह अभी इसी में पका ले, जब प्याज डाल लिया ना तो इसी में डाल के आप पका सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल दूंगी, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, नमक हिसाब से डाल लें क्योंकि पोहे में डाल रखा है तो, और लाल मिर्च डाल दी है, कुछ ज़्यादा मसाले इसमें डालते नहीं हैं, बस मैं इतने ही मसाले डालती हूँ, नमक मिर्च और हल्दी। और अगर मैंने ये जो ड्राई फ्रूट लिए हैं ये डाल सकते हैं, आपके पास अगर मूंगफली है कच्ची मूंगफली तो वो आप उन्हें भी डाल सकते हैं, वो इसमें फ्राई हो जाएंगी, मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसलिए बादाम और किशमिश डाल दी। 2 चम्मच दही लिया, उसको हल्का सा फेंट सी के वो भी डाल दिया, और दही डालने के बाद आपको कंटिन्यू इसको चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे पोहे, आप देख रहे हैं पोहे बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह चिपक गया है या कुछ हो गया है, ऐसे धोया है पानी में। और आप छन्नी में चाहें तो छन्नी में रख के ऊपर से पानी चला दें, एक्सिस पानी नीचे जाता रहेगा और पोहों को जितना पीना होगा पोहा पी लेंगे। अब इसमें मैं मिक्स कर दिया अच्छे से, इसमें मैं डाल दूंगी 1 नींबू का रस, हल्का खट्टापन अच्छा लगता है इसमें, इसमें खटास सी और मिठास, जैसे किशमिश डाली हमने उससे मिठास आएगी और खट्टापन आ जाएगा नींबू से और दही से, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका। और हम तो पोहे अधिकतर ऐसे ही बनाते हैं, आप भाई जैसे बनाते हो आप वैसे भी बना के खा सकते हैं, हम तो जैसे बनाते हैं मैंने आपको वही तरीका दिखाया है। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, लीजिए पोहा खाने के लिए हो गया एकदम तैयार, चलिए सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ पोहों को, और ये गरम गरम एकदम देखो भाप उठ रही है, आ जाइए खा लीजिए आप भी, और ये खाने के लिए एकदम तैयार है। और अब आप इसको सजा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे करने से। इस पर आप थोड़ी सी भुजिया डाल दें, बेसन वाली भुजिया, आलू वाली भुजिया नहीं, और अगर आपको आलू वाली पसंद है तो आप आलू वाली भी डाल सकते हैं। बेसन भुजिया डाल के इसको गार्निश करें, इसके साथ रख दें 1 नींबू, 1 हरी मिर्च, और इसको सजा दें धनिया या पुदीने की पत्ती से। आपका गर्मा गर्म पोहा तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे। देखो कितना अच्छा सा टेक्सचर आया, और जो जिसको भूख लग रही है आ जाइए खा लीजिए। इन्हें
एंजॉय करिए मौसम को। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।